देशभर की 20 बड़ी खबरें आपने देख ली हैं। 20 बड़ी खबरों के बाद अब बात होगी बड़ी खबर की, और बड़ी खबर के साथ होगी बात बजट की। नए भारत का सपना होगा साकार, यूपी देगा योगदान। $5 trillion की इकॉनमी, यूपी की बड़ी हिस्सेदारी। यूपी की बदलेगी तस्वीर, भारत की बदलेगी तकदीर। योगी सरकार 2.0 के बजट से किसको कितनी आस। नए यूपी की नई उम्मीदों को बजट से मिलेगी उड़ान। योगी सरकार का महिला सुरक्षा पर होगा खास ध्यान, और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। अब की बार किसानों नौजवानों के सपने होंगे साकार। गरीबों, किसानों, नौजवानों और आधी आबादी के हितों के लिए योगी 2.0 में सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबसे पहले बात कर रहे हैं बजट ब्रेकिंग की। आज की बजट की ब्रेकिंग यह है कि आज योगी सरकार यूपी को एक बड़ी सौगात देने जा रही है, क्योंकि बजट पेश होने जा रहा है, और बजट पेश होने से पहले 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। ये बजट ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, और किसानों, महिलाओं और हर वर्ग को लुभाने की कोशिश होगी इस वर्ग में। साथ ही साथ बीजेपी की कोशिश है कि जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए थे उसको इस बजट के जरिए पूरा किया जाए। आज बजट पेश होने जा रहा है यूपी का, पूर्ण बजट पेश होगा। योगी सरकार बजट पेश करेगी, लेकिन सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ हमारे दो संवाददाता हैं, नीरज त्यागी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हैं, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अजीत जुड़ गए हैं। अजीत का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, क्योंकि अजीत, आज जो बजट है, क्योंकि करीब 9:30 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें मंजूरी लगेगी, तो क्या कुछ खास तैयारी है, क्योंकि योगी सरकार का दूसरी पारी के बाद पहला बजट है। देखिए बिल्कुल जेपी, दूसरी पारी का योगी सरकार का पहला बजट है, और यूपी का अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश होगा। 6 लाख करोड़ से अधिक, यानी 6 लाख से 6.5 लाख करोड़ के बीच का ये बजट होगा। उत्तर प्रदेश में जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनको पेंशन के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा बिजली से लेकर स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, बुंदेलखंड लेके पूर्वांचल, अयोध्या, काशी, मथुरा, गंगा एक्सप्रेस वे सहित बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव होंगे जो आज बजट में आपको देखने को मिलेंगे। कल ही जो है केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया था कि डिप्टी सीएम और ब्रिजेश पाठक ने जेपी की, जो हमारा बजट है वो जन भावनाओं वाला बजट होगा। लेकिन एक लाइन में अगर हम कहें तो 22 का बजट 24 की जीत का गुरु मंत्र होगा, क्योंकि ये ऐसा बजट होगा जो जनता से जुड़ा होगा, संकल्प पत्र के वादों से जुड़ा होगा। और उससे पहले जेपी 9:30 बजे जहां हम खड़े हैं लोक भवन में, ठीक पीछे लोक भवन है, सामने विधानसभा, यहां पर कैबिनेट बैठक होगी, और कैबिनेट बैठक में बजट का अनुमोदन कराया जाएगा। यानी जो बजट सरकार विधानसभा में 12:20 पर पेश करेगी, उस बजट को पहले कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराया जाएगा, और उसके बाद सुरेश खन्ना और सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ सुरेश खन्ना के साथ गेट नंबर 8 पर पहुंचेंगे, जहां चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, यहां पर फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, और उसके बाद सीधे सदन में जाएंगे और 12:20 पर सदन में बजट को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज का जो बजट होगा यूपी का सबसे बड़ा बजट होगा, हर मुद्दे का बजट
होगा, गन्ना किसानों से लेकर, गन्ना किसानों का भी उसमें जिक्र होगा, इसके अलावा अपराध से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर सब पर, और एक जो इकाई एसएसबी गठित की गई थी उसके लेकर बजट होगा, एटीएस के जो सेंटर बनने हैं उसको लेकर बजट होगा, तो संपूर्ण बजट होगा। जो मैंने पहले कहा कि जो यूपी का अब तक संपूर्ण बजट होगा, सबकी नजरें टिकी हुई है। हमारे संवाददाता लोक भवन से अजीत हमें जानकारी दे रहे थे, आपको बता दें कि पवन सेंगर भी जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के घर के बाहर है, क्योंकि वो बजट तो वही पेश करेंगे और सबकी नजरें उन पर टिकी हुई है। पवन, क्या कुछ खास तैयारी है? और सबसे ज्यादा नजरें योगी सरकार पर तो है, लेकिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी की जनता को क्या सौगात देंगे, ये उम्मीदें ज्यादा है? जेपी, कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना छठी बार बजट पेश करने जा रहे हैं। मैं उनके घर के अंदर हूँ, थोड़ी देर बाद हो सकता है कि वो हमसे बातचीत करें, लेकिन तैयारी वो अंदर कर रहे हैं, क्योंकि तमाम सारी तैयारियां हैं, पूजा पाठ करते हैं वो, उसके बाद वो विधानसभा के लिए निकलते हैं। योगी आदित्यनाथ के पास पहले जाएंगे, उसके बाद वो विधानसभा के लिए जाएंगे। ये बजट 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, और ख़ासतौर से जैसा कि अजीत बोल रहे थे कि 2024 की झलक इस बजट में दिखाई देगी, क्योंकि संकल्प पत्र का वादा पूरा करके भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के साथ 5 कालीदास पे बैठक किए थे, सभी मंत्रियों से 1-to-1 उन्होंने करने का काम किया था, और केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, आने वाले समय में क्या क्या चाहिए, बजट में जो संकल्प पत्र है उसको लेकर की योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया था। लिहाजा ये योगी 2 का पहला बजट है, और ये पहला बजट बताएगा कि आने वाले 5 साल की रूपरेखा उत्तर प्रदेश सरकार की क्या होने वाली है, किन किन योजनाओं में कितना पैसा, किन किन मद में कितना पैसा योगी सरकार देने जा रही है, क्योंकि जो अयोध्या है, यानी क्या रोड मैप रहेगा पवन, ये पूरी तैयारी है। पवन, हमारे संवाददाता आपको बता दे कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के घर पर है और अजीत लोक भवन से पल पल के अपडेट दे रहे हैं कि लखनऊ में बजट को लेकर क्या तैयारी हो चुकी है। पवन और अजीत, आप बने रहिएगा, क्योंकि यहां तैयारी पूरी हो चुकी है जनता को सौगात देने के लिए योगी सरकार की, लेकिन आपको बता दें कि जनता के मन में क्या है, किसानों के मन में क्या है, क्योंकि किसान ज्यादा आबादी के हैं यूपी के अंदर, तो किसानों के मन में चलते हैं। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर, नीरज त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता है जो जाट बेल्ट में है, जो गन्ना बेल्ट में है। नीरज, किसानों के मन में क्या, क्योंकि किसानों पर ही जिस तरह पवन और हमारे सहयोगी अजीत ने जानकारी दी कि ये किसानों के लिए भी ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल निश्चित रूप से जेपी, बताऊंगा कि किसान आज का जो बजट पेश होने वाला है इसको लेकर के उत्साहित हैं और मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं योगी सरकार इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ सौगात देगी। मेरे साथ कुछ किसान है जेपी, मैं सीधे बात करूंगा, उन्हीं से सीधे बात करेंगे। आज बजट आ रहा है तो इसमें आप क्या चाहते हैं कि कैसा किसान के लिए, क्या खेती जो है वो घाटे का सौदा होती जा रही है। हम योगी सरकार से मांग करते हैं कि लागत मूल्य घटाने के लिए कृषि के उपयोग में आने वाले उपकरण, खाद, बीज पर सरकार सब्सिडी दे और किसानों की प्रगति में सहयोग दे। खेती से किसान का मोह क्या चाहते हैं, क्या बजट में होगा? बजट में जैसा तेल की कीमत डाउन होनी चाहिए और ये खाद बीज में बहुत वृद्धि होनी चाहिए, बहुत महंगे होंगे, दवाई बहुत महंगी होगी, दवाई गिरने में परेशान है किसान, और बिना दवाई के खेती नहीं होती, तो इस वजह से जो चाह रहे हैं कुछ न कुछ सहयोग इसमें सरकार करे। अगर किसान की बात करते हैं, किसानों का कहना है कि जो उपज का जो लागत मूल्य है उसको कम करने के लिए सरकार काम करे, ऐसी योजनाएं लाए जिससे किसानों की जो उपज की जो कीमत है, उपज को कृषि के वो जो बढ़ाने के लिए उपज की जो कुल वैल्यू है वो घटाई जाए। बिल्कुल, देखिए किसान भी कहीं ना कहीं नीरज टकटकी लगाकर नजर टकटकी लगाए हुए हैं कि आखिरकार योगी सरकार का बजट क्या होगा और योगी सरकार जनता को क्या सौगात देगी। लखनऊ से अजीत हमारे साथ जुड़े, पवन जुड़े और नीरज आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप दोनों ही तीनों ही हमारे सहयोगियों के। लेकिन बजट से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देखते रहिएगा।